नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गुणनखंड विधि से जिन संख्याओं का वर्गमूल हम ज्ञात कर रहे थे वे संख्याएँ पूर्ण वर्ग होती थी, लेकिन भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो या फिर ना हो। तो आइए देखते हैं कि चार एग्जाम्पल जो लिखा गया है इसको कैसे इस विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसमें जो पहले तीन एग्जाम्पल हैं ये तीन एग्जाम्पल पूर्ण वर्ग के हैं, लेकिन ये चौथा एग्जाम्पल जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में 2304 यानी 2304 इसका वर्गमूल हमको निकालना है। अब वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वह इकाई की तरफ से संख्याओं को लेते हैं, दो दो संख्या को लेते हैं, दो दो अंक को लेते हैं, इकाई की तरफ से दो दो अंकों को लेकर के हम जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे एक दो इसका एक जोड़ा बन गया, और इसे जोड़ा बनाने के बाद इसके ऊपर एक पड़ी रेखा खींचते हैं, फिर ये और ये लेकर के एक जोड़ा बनाएंगे, इसके ऊपर एक पड़ी रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पे अगर जो देखें तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जोड़ा बनाते समय इधर कोई एक डिजिट बच जाए, तो उसका जोड़ा कैसे बनेगा। तो यदि एक सिंगल डिजिट यहाँ पे बच रहा है तो उसका जोड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर भी हम जैसे यदि यहाँ पे एक होता तो इसके ऊपर एक बार ऐसे लगा देते हैं, पड़ी रेखा खींच देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब जोड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन खींचते हैं और इस तरह से एक लाइन खींचते हैं। अब हम पहला जोड़ा का चयन करते हैं, जो पहला जोड़ा है उसके लिए हम एक से लेकर के नौ तक की संख्या में से कोई एक संख्या का चयन करते हैं और उसका वर्ग करते हैं, और वर्ग करने पर इससे कम या इसके बराबर आता है। तो अगर जो देखा जाए तो यहाँ 23 है, तो एक से लेकर के नौ तक में नौ के बीच की कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पे इसके करीब आए या फिर इसके बराबर आए। तो यदि 4 चौके 16 किया जाता है तो 16 इसके करीब है, 5 बार लेंगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, हम जो संख्या लेंगे उसका वर्ग भी करेंगे, ये ध्यान रहे। तो यदि हम 4 लेते हैं तो 4 का वर्ग करने पे 16 आएगा, तो 16 को यहाँ पे हम लिखते हैं और फिर यही 4 को यहाँ पे लिख करके जोड़ते हैं, तो 4 4 8 हो जाता है। 8 को इसके बगल में हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अभी यहाँ पर संख्या हम कुछ लिख सकें। तो आइए अब अगर जो 16 लिख दिए तो फिर इसमें से इसको घटाते हैं, तो 13 में से 6 घटेगा तो 7 होगा, और यहाँ एक बचा, एक में से एक घटेगा तो 0 होगा। अब ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, तो भाग में हम क्या करते थे, भाग में हम एक सिंगल डिजिट को नीचे उतारते थे। यहाँ पे क्या है कि जब हम जोड़ा बनाए हैं तो उस जोड़े को हम यहाँ पे उतारेंगे, इसके बाद की जो जोड़ा है उसको हम ठीक वैसे ही उतार लेंगे, यानी दोनों डिजिट उतरेगा एक साथ, 0 4। अब इसमें 3 डिजिट है, अब ये नया भाज्य हो गया और ये भाजक है, तो हम इससे इसको एक डिजिट छोड़ करके इसमें भाग करते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है, इसका एक डिजिट छोड़ देंगे और इस 8 से इसमें हम भाग देंगे और चेक करेंगे कि अधिकतम कितनी बार भाग जा सकता है। तो यदि 8 से इसमें भाग करें तो 8 8 64, ये 8 बार अधिकतम जा सकता है, 8 9 72 हो जाएगा, इसलिए 8 बार जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 8 बार जाए ही, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उससे एक कम बार भी जाता है। तो देखिए 8 8 64 8 बार जा रहा है, तो उस 8 को यहाँ पे लिखते हैं और उस 8 को यहाँ पे भी लिखते हैं, दोनों जगह जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे। अब ये जो 8 आया, इस 8 का इस पूरे में गुणा करते हैं, इस 8 का इस पूरे में गुणा करते हैं, तो 8 8 64 और 8 8 64 6 70, ये पूरी तरह से उतना ही आ रहा जितना ऊपर है, तो घटाएंगे तो फिर क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर जो आगे कोई जोड़ा यहाँ पे और होता तो उस जोड़े को हम यहाँ पे उतारते और फिर वही प्रक्रिया जो यहाँ पे लिखी गई है 8, उस 8 को यहाँ पर ला करके जोड़ते, 8 8 16 और ये 8 1 9, ये 96 हो गया। और फिर यहाँ पर इस डिजिट में इसका हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि अधिकतम कितनी बार जा सकता है। तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो
तो 2304 का जो वर्गमूल आएगा वो 48 आएगा भाग विधि के द्वारा। तो ये स्टेप्स होते हैं भाग विधि के। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है 11449, इसमें 5 डिजिट है, ये भी पूर्णांक की संख्या है, पूर्णांक में है। तो आप इसका जोड़ा जब बनाएंगे इकाई की तरफ से, तो देखिए 2 अंक, फिर ये 2 अंक, ये सिंगल बच जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे, एक बड़ी रेखा खींच देंगे। अब क्या करते हैं, अब एक लाइन ऐसे फिर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। अब यहाँ पे जो पहला जोड़ा है ये भले ही अकेले है, ये अपने आप में एक जोड़ा ही समझा जाएगा, ये अकेले है, तो ऐसा नहीं है कि जोड़ा बनाने के लिए इसको इसके साथ ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यह सिंगल है तो सिंगल ही रहने देंगे, और यहाँ पे एक डिजिट ऐसे चयन करेंगे 1 से लेकर 9 तक के बीच की, ताकि उसका स्क्वायर करने पे इसके बराबर या इससे कम आए। तो यदि 1 है तो जब 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 एक कम 1, ध्यान रहे कि जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 एक कम 1। अब यहाँ पे जो लिखते हैं उसको फिर इसके साथ जोड़ते भी हैं, तो यहाँ पे 1 एक 2 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब अगला जोड़ा उतारते हैं, डिजिट नहीं, अगला जोड़ा पूरी तरह से यहाँ पे उतर जाएगा 14। अब यदि यहाँ पे 14 आ रहा है और यहाँ पे 2 है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें अधिकतम कितनी बार भाग जा सकता है। तो यदि अगर जो देखा जाए तो ये केवल 14, इसमें 2 डिजिट है। तो यदि यहाँ पे कोई भी संख्या हम लेंगे, कोई भी अंक लेंगे 1 से लेकर 9 तक, तो ये यहाँ पे 1 ही अगर जो ले लें तो 21 हो जाएगा, तो इससे अधिक हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसमें भाग नहीं जा पाएगा। तो जब नहीं जा पाएगा तो हम 0 बार उसको ले जाएंगे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, फिर 0 का जब इसमें आप गुणा करोगे तो ये आएगा 0 ही। तो अब देखिए ये 0 0, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो फिर वही 20 ही मिलेगा, ये घटाएंगे इसमें से तो ये मिल जाएगा 14, फिर 2 डिजिट आप उतार लेंगे। लगातार यदि आपको 2 जोड़ा उतारना पड़ रहा है तो बीच में यहाँ पे 1 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा। इस स्टेप्स को आप गायब कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने बताया कि कम से कम 0 बार उसमें आप ले जाइए। तो यदि यहाँ पे 20 आया तो फिर अब अगले स्टेप में देखिए, अब यहाँ पे यदि ये 20 आ रहा है तो इसका 1 डिजिट यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यदि आपको 20 का पहाड़ा नहीं आता तो 1 डिजिट छोड़ करके 2 से चेक कर सकते हैं। तो 1 डिजिट इसका लीजिए, 2 डिजिट इसका लीजिए, 2 डिजिट इसका छोड़ दीजिए। तो देखिए 2 से इसमें यदि आप भाग करेंगे तो 2 × 14 लगभग 7 बार जा रहा है। 7 बार जब जा रहा है तो 7 को यहाँ लिख करके और यहाँ लिख करके इस 7 का फिर इसके साथ गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 × 7 49 और 7 × 0 हासिल 4, 7 × 2 = 14, ये पूरी तरह से उतना ही आ रहा है जितना ऊपर है, तो घटाने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे कोई डिजिट होता अगर जो जोड़ा तो उसको भी उतारते और ये 7 जो यहाँ लिखे हैं फिर यहाँ पे लिख करके उसको जोड़ते तो ये 214 आता। इस तरह से आगे की प्रक्रिया भी करते चले जाएंगे और तब तक करते चले जाएंगे जब तक हमको रिजल्ट प्राप्त ना हो जाए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है 4.6225, यह एक दशमलव वाली संख्या है। तो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ काम क्या है, जोड़ा बनाना। तो क्या इसका भी जोड़ा इधर से ही बनाएंगे, तो नहीं, यहाँ पे जब भी जोड़ा बनाना होता है तो दशमलव के पहले जो संख्या होती है यानी जो पूर्णांक होता है उसको यहाँ से दशमलव के तुरंत बगल से यानी इकाई की तरफ से इधर जोड़ा बनाते जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि दाहिने से बाएं चल रहे हैं और दशमलव के बाद की जो संख्या है उसमें बाएं से दाएं चलेंगे। अब यहाँ पे इधर का जोड़ा तो हमने पूर्णांक में सीख लिया, लेकिन इधर का जोड़ा बनाते समय यदि कोई डिजिट छूट जा रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा, वो सिंगल बच जा रहा है, तो उसके आगे 1 0 लिख करके उसका भी हम जोड़ा बना लेंगे। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं यदि वो विषम है तो उसको सम बनाते हैं हम, यानी 0 बढ़ा करके हम सम बना लेते हैं, और जब सम बना लेते हैं तो सभी अंकों के लिए जोड़ा पर्याप्त हो जाता है। तो अब देखिए मान लिया जाए यहाँ पे जोड़ा बनाना है, तो ये सिंगल डिजिट है तो इसका जोड़ा ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पे भी देखिए इधर से जोड़ा बनाएंगे, तो ये 6 2 का एक जोड़ा, फिर ये 2 5 का एक जोड़ा। अब अगर जो यहाँ पे भी मान लीजिए कोई संख्या थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं कि एक है, तो अब एक सिंगल नहीं इस पे जोड़ा बनाएंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, इसके आगे 0 बढ़ा करके तब एक जोड़ा ऐसे बनाएंगे इसका। तो ये अभी इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए अगर जो इसका हमको वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दशमलव वाली संख्या का जोड़ा तो हमने बना लिया, अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने की जो प्रोसेस है वो यही है जब अभी आप सीखे हैं दोनों। तो यहाँ पे पहला आप जोड़ा ले रहे हैं तो 4 है। अब 4 के लिए हमको एक ऐसी संख्या का चयन करना है जिसका वर्ग करने पे इसी के बराबर आए या इसी के निकट आए। तो क्या करना है हमको, मान लिया जब हमने 2 लिया तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख करके फिर उसको जोड़ते हैं, ये जो 2 यहाँ लिखे हैं उसको यहाँ लिख करके जोड़ते हैं, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें से इसको यदि आप घटाते हैं तो ये हो गया 0। अब इसके बाद दशमलव है, इसके बाद जो डिजिट है जो जोड़ा है वो दशमलव के बाद की संख्या है, तो यहाँ पे हम पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव लगाने के बाद इस जोड़े को हम उतारेंगे। तो ये जोड़ा जब उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 62। अब ये नया भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया, हम चेक करेंगे कि इससे इसमें कितनी बार भाग जा सकता है। तो इसका एक डिजिट छोड़ दीजिए, तो 4 से 6 में यदि भाग ले जाना है तो एक बार जाएगा, तो 4 एकम 4 होगा, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे 1 यहाँ भी लिखेंगे, तो 1 का फिर इस पूरे में हम गुणा करते हैं, 1 लिखेंगे तो अब ये 41 हो गया, 41 हो गया, तो 41 में इस 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 41 ही होगा। फिर इसको घटाएंगे और ये जो 1 लिखे हैं वहाँ पे ला करके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42। घटाएंगे तो देखिए कितना होगा, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2। अब फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा उतारने के बाद आप देख रहे हैं कि इससे इसमें भाग अभी जाएगा, इसलिए 0 बढ़ाने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे यदि 42 आ रहा है तो 42 का पहाड़ हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 डिजिट छोड़ करके हम इसका 2 डिजिट ले लेंगे। तो 4 से चेक करिए कि 21 में कितनी बार अधिकतम भाग जा सकता है, तो 4 5 20, अधिकतम 5 बार जा सकता है, तो वह 5 यहाँ पे भी लिखेंगे और वह यहाँ पे भी लिखेंगे। अब इस 5 का इस पूरे 425 में गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 5 25 और 5 2 10 2 12, फिर 5 4 20 1 21, ये पूरी तरह से उतना ही आ रहा जितना ऊपर है, तो घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा। अब अगर जो आगे भी डिजिट होता जोड़ा तो उसको भी उतारते और ये फिर 5 को ला करके यहाँ पे हम जोड़ते, लेकिन आगे कुछ डिजिट बचा नहीं है इसलिए यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत अब नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है करड़ी में 2, यानी 2 का वर्गमूल निकालना। अभी तक आप 3 क्वेश्चन देखिए, इन तीनों क्वेश्चन में जो संख्याएं थी वो पूर्ण वर्ग थी इसलिए उनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जा रहा था, लेकिन अगर जो 2 को देखा जाए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब यह पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल भी पूरी पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा, यानी आगे बढ़ता जाएगा। तो कैसे इसको निर्धारित करेंगे, इसका मान कितना निकालेंगे, तो इसके लिए जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें बताएगा कि दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम मान बताइए, दशमलव के 4 स्थानों तक निकटतम मान बताइए, दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम मान बताइए। तो जब भी इस तरह का आएगा तो उसमें ये स्थान निर्धारित करेगा। तो यदि मान लिया जाए हमको दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम मान बताना है तो हम क्या करेंगे, 4 स्थान तक निकालेंगे, यदि 3 पूछ रहा है तो 4 तक हम निकालेंगे। तो देखिए निकालते कैसे हैं, 2 है, 2 का हमको वर्गमूल निकालना है और दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, निकटतम 3 स्थान तक, तो 4 स्थान हमको निकालना पड़ेगा। तो 4 स्थान निकालने के लिए दशमलव के बाद 0 के 4 जोड़े आप लिख दीजिए, इस तरह से 4 जोड़ा हो गया। जब 4 जोड़ा हो गया तो दशमलव के बाद 4 स्थान तक आप मान निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दशमलव की पहली जो संख्या है इसका अगर जो जोड़ा बनाएंगे तो ये सिंगल है, तो सिंगल है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पे इसके बराबर या इससे कम आए, तो यदि हम 1 लेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा और 1 से बड़ा लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा।
अब लेने के बाद यहाँ से हम घटाते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और जो एक लिखते हैं उसको ला करके यहाँ जोड़ते भी हैं, तो एक एक दो, इसको आप समझने के लिए यहाँ प्लस साइन लगा सकते हैं, तो एक एक दो हो गया। अब यहाँ पे दशमलव है तो तुरंत यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, और इसके बाद के दो जीरो आप उतार लीजिए, ये जोड़ा आ गया। अब आप इससे भाग करिए कि आप देखिए कितनी बार अधिकतम जा सकता है। तो यदि आप दो पचे दस कर रहे हैं तो पांच बार तो लग रहा है कि चला जा रहा है, लेकिन यदि आप यहाँ पे पांच लिखते हैं और यहाँ पे भी पांच लिखते हैं, तो पांच का इस पच्चीस में आप गुणा करेंगे तो देखिए इससे अधिक हो जाएगा। देखिए पांच पचे पच्चीस और पांच दूनी दस दो बारह, ये 125 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमको चेक करने से ये पता चल रहा है कि वो पांच बार जा रहा है, अधिकतम पांच बार, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो पांच बार जाए। गुणा करने पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे अधिक हो जाता है, तो हम एक अंक और कम कर लेते हैं, यानी पांच बार ले गए थे तो अब उसको चार बार ले जाएंगे। तो चार बार ले जाने के बाद हम इसको फिर चेक करेंगे, चार बार ले जाएंगे तो चेक करेंगे कि अभी भी नहीं ना उससे अधिक हो रहा है, तो चार यहाँ लिखे तो चार यहाँ पे भी लिखेंगे, चार का चौबीस में गुणा करेंगे तो चौबीस चौको छियानवे, ये चार हो जाएगा यहाँ पे। चार का इसके साथ गुणा करेंगे तो इसे देखिए चार चौके सोलह, चार दुनिया आठ एक नौ, तो ये हो गया छियानवे, बचा कितना, चार बचा, घटाएंगे तो ये चार बचेगा। फिर ये जोड़ा उतारेंगे जीरो जीरो, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अट्ठाईस, चौबीस चार अट्ठाईस। अब फिर अट्ठाईस का तो मान लो पहाड़ा हमको नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक डिजिट छोड़ देंगे, इसका भी दो डिजिट छोड़ देंगे, तो दो दूना चार, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये दो बार जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो दो यहाँ लिखेंगे, दो यहाँ पे भी लिखेंगे, तो दो दूना चार, दो अठे सोलह और दो दूनी चार एक पाँच। अगर हम दो लिख रहे हैं, यहाँ पे भी दो लिख रहे हैं, तो इस दो का फिर इसमें गुणा करने पर फिर अधिक हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक डिजिट कम कर देंगे, यानी हमको यहाँ पे एक बार ले जाना है, यानी एक यहाँ पे भी लिखना, एक यहाँ पे भी लिखना है, तो एक का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये इतना ही आएगा 281, फिर इसको घटा देंगे और यहाँ पे एक को जोड़ देंगे, तो एक एक दो हो गया और ये आठ हो गया, 282 हो गया, घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नौ आएगा, यहाँ नौ में से आठ गया एक आएगा, यहाँ तीन है तीन में से दो गया एक आएगा, फिर दो जीरो उतरेगा, ये जोड़ा उतरेगा। अब फिर चेक करेंगे यहाँ पे दो से इस ग्यारह में भाग करेंगे, दो पचे दस, लगभग पांच बार दिख रहा, तो पांच यहाँ पे लिख करके इसमें यहाँ पे लिख करके गुणा करेंगे और चेक करेंगे कि इससे अधिक नहीं ना हो रहा है, तो ये चेक करने का प्रोसेस है, अधिकतम पांच बार ये पता चल गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पांच बार जाए ही, पांच से एक कम या दो कम भी हो सकता है। तो देखिए पांच अगर जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो पांच का गुणा करेंगे तो पांच पचे पच्चीस, पांच दूनी दस दो बारह, पांच बटे चालीस, एक इकतालीस, पांच दूनी दस चार चौदह, अधिक हो जाएगा। तो पांच बार नहीं ले जा करके हम कितना ले जाएंगे, चार बार ले जाएंगे, चार का इसमें गुणा करेंगे तो चार चौके सोलह, चार दूनी आठ एक नौ, चार बटे बत्तीस और बत्तीस के दो और चार दूनी आठ, आठ तीन ग्यारह। अब फिर घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ दस में से छः गया चार, नौ में से नौ गया शून्य और यहाँ पे आठ में से दो गया छः, तो ये 604 आ गया। फिर यहाँ पे दो डिजिट उतारेंगे जीरो के और ये जो चार यहाँ लिखे थे यहाँ चार लिख करके जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, चार चार आठ और ये दो और ये आठ दो, यानी अट्ठाईस अट्ठाईस आ गया। अब फिर इसमें चेक करेंगे कि कितनी बार जा सकता है, तो दो तीन छः, तो ये तीन बार दिख रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि तीन बार जाए, ये दो बार ही जाएगा, हम यहाँ पे दो बार ले जा रहे हैं, तीन बार ले जाने पे अधिक हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो दो बार ले जाएंगे तो यहाँ पे भी दो बार लिख लेंगे, तो दो दूना चार, फिर दो अठे सोलह, दो दूनी चार एक पाँच, दो अठे सोलह, दो दूनी चार एक पाँच, तो इस तरह से ये इतना आ गया। अब घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा छः, यहाँ पे आ जाएगा नौ, नौ में से छः गया तीन, यहाँ पे तीन, तेरह में से पाँच गया आठ, फिर यहाँ पे नौ बचा, नौ में से छः गया तीन, ये 38-36 बच जाएगा। तो ये दशमलव के चार स्थानों तक निकट मान निकल जा रहा है। अब हमसे पूछा गया कि दशमलव के तीन स्थानों तक निकटतम मान बताइए, तो जब ये तीन स्थान तक पूछ रहा है तो ये चौथा स्थान देख रहे हैं कि पाँच से कम है, तो पाँच से कम है तो उसको छोड़ देंगे,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.414। ये कड़ी में दो का दशमलव के तीन स्थानों तक निकटतम मान है। तो इस तरह से आपने देखा कि भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालने की समझ आ गई होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।